दर्शक बंधु गणमाध्यम रिपोर्ट अनुयायी पाकिस्तान प्रधानमंत्री एभली एक बयान जहां भारत रे एक चमकेला भली परिस्थिति सृष्टि करथिबा बळी खुद पाकिस्तान रे थिबा कट्टरपंथी मानंकर निद हराम कर दीछि। आमे समस्ते जेमिति जानिछि कि लगातार स्वाधीनता परठारु भारत एवं पाकिस्तान रो संबंध बा संपर्क विशेष किछि उन्नत धरण रो नुह एवं एही संपर्क को आहुरी खराब कर देबा पई पाकिस्तान रो जो इंटेलिजेंस संस्था आईएसआई रही पाकिस्तान रो मिलिटरी एवं अनेक पाकिस्तान को शासन करथिबा पाकिस्तानी सरकार लगातार भारत रे अपराधीकरण विशृंखला एवं उपद्रव करबा मई अनेक आतंकवादी को पठाइबा आतंकवाद को प्रोत्साहित करबा एवं मोटामोटी भाव में जम्मू काश्मीर ठारे एक अशांति वातावरण को सृष्टि करिबारे जदियो किछि मात्रा रे सफल थिले किंतु लगातार भारत सरकार एहाको रोक लगेवा पई जथेष्ट उद्यम करी अपातत पाकिस्तान को एमिति झटका देथिले जहां एपर्यंत पाकिस्तान भूली पारी नाही। गुटिए थर तो जदि आमे देखिबा ताहले खुद भारतीय सैन्य माने एमिति भावरे पाकिस्तान रो सैन्य मानंकु मजा चखई थिले फळरे एक नुआ देश जहां कि आजिरो बांग्लादेश मध्य पाकिस्तान रु विच्युत हो जाए एक स्वतंत्र राष्ट्र रूपे निजे गठन होइथिला। एपरिक जदि आमे भारत एवं पाकिस्तान को 1965 मसीह रे देखिबा 71 मसीह रे देखिबा एवं 99 मसीह रे देखिबा उभय तीनोटी युद्ध रे पाकिस्तान भारत ठारु परास्त होइछ एवं एबे जम्मू काश्मीर एवं लद्दाख अंचल को केन्द्र शासित अंचल रे एवं जम्मू काश्मीर रु धारा 370 उच्छेद कर दे भारत सरकार परोक्ष रे एवं प्रत्यक्ष रे उभय पक्ष रे पाकिस्तान को आउ एक झटका देबारे सफल होइछन्ती। एवं जदि उभयंक अर्थनीति देखिबा राजनीति देखिबा विश्व मंच रे सम्मान और प्रतिष्ठा देखिबा एवं भारतर कूटनीति देखिबा ताहले एहा पाकिस्तान ठारु यथेष्ट ऊर्ध्व रे। एक कथा जेते जेते समय बढ़ी सेते सेते पाकिस्तान रे थिबा प्रधानमंत्री माने हृदबोध करथिले मध्य कट्टरपंथी को सामना रे झुंकी जाई एभली बयानबाजी करिनथिले किंतु संभवतः सही दिन आसिला जेउ दिन पाकिस्तान रो वर्तमान रो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सीधा सड़क कहिबा को पछै नहंती कि भारत सह युद्ध करी पाकिस्तान रो विशेष किछि त हासिल हुई नहीं बरं अनेक किछि क्षति होईछि। एहा एक गंभीर बयान बोली धरिबा एवं आगो को चली भारत पाकिस्तान कथाबार्ता करिवे विभिन्न प्रकार रो जेउ प्रकार पर्याय रहिछि उभय देशर संपर्क राजनीति रणनीति एवं अर्थनैतिक सामाजिक विकास उपरे जहार प्रभाव पड़िबो एने वर्तमान पाकिस्तान रा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आशावादी बोली एही रिपोर्ट रु जाना पड़िछि। मोटामोटी जदि मामला को देखिबा ताहले पाकिस्तान रा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत सह कथाबार्ता पई आग्रह प्रकाश करथिबा एही रिपोर्ट रो एक रोचक खबर एवं मुख्य खबर। शहबाज एक बयान माध्यम रे निज आभिमुख्य रे अचानक परिवर्तन कर देथिबा मध्य जाना पड़िछि कारण सीधासलख शहबाज शरीफ कहिछन्ति कि युद्ध कोनोसी विकल्प नुह एवं आमे भारत सह कथाबार्ता करबा पई आग्रह अछु। भारत जदि कथाबार्ता पई निष्ठार सह चाहिबो ताहाले एथिपई आमे संपूर्ण प्रस्तुत रहिछु। प्रश्न उठुछि एभली बयानबाजी करबा पछरे शहबाज शरीफ कर उद्देश्य कोन रहिछि। सीधा अर्थ रे देखिले वर्तमान पाकिस्तान रो जों भली परिस्थिति पाकिस्तान रो जनसाधारण कर जों भली परिस्थिति सामाजिक एवं अर्थनैतिक स्तर रे पाकिस्तान जों भली भावरे धीरे धीरे तळकु खतिबा एवं आतंकवाद रो एक अंध बळय भितरे पाकिस्तान प्रशासन बाट खोजी पाउनथिबा भली भारत रो रणनीति पाकिस्तान को आतंकवादी को दमन नीति विश्व मंच रे अन्य विकासशील देश सह भारत रो समतुल अवस्था रे गति करबा ही आज भारत को एक नुआ दिशा रे आगे बाट कढ़ाई दूची एक कथा को पाकिस्तान हृदबोध करी जहाँ को हृदय सह अनुभव करी पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। केवल एति के नुह से आहुरी मध्य कि 75 वर्ष मध्य अर्थात विगत 75 वर्ष मध्य भारत पाकिस्तान मध्य तीनोटी युद्ध होवल बेकारी दारिद्र्य एवं अर्थनीतिर अभाव ही पाकिस्तान को मिली युद्ध एवं कौनसी विकल्प नुह एवं कथाबार्ता ही प्रकृत पंथा बोली शहबाज शरीफ जोर दे कहते मुझे कहती 1965 मसीहार काश्मीर युद्ध
71 मसीहारे बांग्लादेश विभाजन युद्ध हो 1999 मसीहारे कारगिल युद्ध हो प्रत्येक थर पाकिस्तान भारत ठारु भीषण पराजय रे सामना करिछि बोली शहबाज शरीफ कहिबा पई पछि ना केवल निजको एक परमाणु राष्ट्र रूप रे पाकिस्तान अन्य देश मानको ठारु सम्मान आदाय करबा भली चेष्टा करथुवा बोली शहबाज शरीफ किंतु एहाको भिन्न भाव रे उपस्थापन करि कहिछंती कि पाकिस्तान रो परमाणु अस्त्र केवल आत्मरक्षा पई उद्दिष्ट जदि केबे परमाणु युद्ध हुए तेबे कोन घटिला एही युद्धर फलाफल कोन हला ताहा कहिबा पई अपातत केहि मध्य जीवित नथिबे एवं एहा एक सांघातिक सत्य कथा शहबाज शरीफ कहिबा पई पछै नाहंती जहाकि परमाणु अस्त्र रखिथिबा परमाणु मिजाइल बा बोमा रखिथिबा देश माने समस्त एही सत्य को स्वीकार करिबा पई बाध्य हेबे एभली स्थिति रे हठात पाकिस्तान रो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत को नै कथाबार्ता करिबा पई एते आग्रह प्रकाश काहे कि करिचंती ताहा मध्य पाकिस्तान रो केउ कूटनीति अंतर्भुक्त ताहा तो परवर्ती अध्याय रे जणा पड़िबो किंतु अनेक बार भारत रो वैदेशिक मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर विभिन्न मंच रे कहिचंती कि जेतेबळ पर्यंत पाकिस्तान आतंकवाद को बंद न करिबो मूलोत्पाटन न करिबो आतंकवाद को जन्म ही देव नाही सेतेबळ पर्यंत भारत पाकिस्तान कथाबार्ता करबा संभव नहु तेबे जदि भी आसंता काली पाकिस्तान भारत सह कथाबार्ता हवा पई आग्रह प्रकाश करिवो तेबे भारत तरफरु एही मूल प्रश्नटित रहिवो जहार उत्तर पाकिस्तान को दबा को पड़िवो तेबे जहा भी हो लगातार एक कट्टरपंथीर विचारधारा रे गति करी पाकिस्तान को रसातल को नै जाइथिबा एठाकार पूर्व सरकार माने जेऊ भली नीति अपनैथिले अपातत बयान माध्यम रे पछे हो शहबाज शरीफ निज हृदय भाषा कहिछंती एवं लागुजी जमिति अंतरराष्ट्रीय रणनीति रे तांकर चैतन्य उदय होईची जहां फळरे एक सत्य एवं भीषण सत्य को बयान माध्यम रे प्रकाश करी से अपातत भारत एवं पाकिस्तान संपर्क केमिति जोड़ी हेबो ए नै एक छोटो बाटटी तयारी करिवार प्रचेष्टा करिचंती बोली धरा जीवो यदि आपणक जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पई आमको जोगाजोग करंतु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर फोन नंबर 9776833302 9439444924 आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।